अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द समर पैक ऑफ मैथ वर्क। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन दिस पेज। नेक्स्ट यू हैव टू स्टार्ट एंड राइट 2, 3, 23। लर्न एंड राइट 2, 3, 23, 2, 4, 24। लेट्स स्टार्ट द राइटिंग 2, 3, 23 लाइक दिस 2, 3, 23 एंड 2, 4, 24। स्टूडेंट्स, आपने इनकी फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है और अच्छे से राइट करना है। आपकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी हो, नीटनेस के साथ। इसी तरह से आपने 2, 3, 23 को कंप्लीट करना है 2, 4, 24 को। ओके, नेक्स्ट मूव इन द नेक्स्ट पेज 2, 5, 25 2, 6, 26। अब टू आपने इस जैसे पीछे राइट किया 2, 5, 25 2, 6, 26। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपने ट्रेस करना है, ये फर्स्ट लाइन। देन मूव टू इन द नेक्स्ट बॉक्स 2, 5, 25 एंड 2, 6, 26। ओके, लाइक दिस। आपने इसी तरह से ये सारा पेज जो है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट रिवीजन है 21 से 25 नंबर तक। 2, 1, 25 आपने क्या करना है, इन सबको राइट करना है। 2, 1, 21 2, 2, 22 2, 3, 23 2, 4, 25 एंड 2, 5, 25। स्टूडेंट्स, इन सबको अच्छे से राइट करना है, कंप्लीट रिवीजन करनी है, ड्राफ्ट रजिस्टर पे भी और इस पे भी, और साथ साथ आपने लर्न भी करना है। नेक्स्ट है ट्रेस एंड कलर एक्टिविटी। ट्रेस एंड कलर यू हैव टू कम्प्लीट द फिश। स्टार्ट नंबर 1 ट्रेसिंग 1, 2, 3, 4, 5, 5 to 6, 7, 8, 9, 9 to 10, 10, 11, 11 to 12, 13, 13 to 14, 14 to 15, 15 to 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, like this. You have to complete in all fish, okay? Then you have to complete, then fill the color, okay? Then fill, आपने इसमें सारी में color fill करना है अपनी choice के, प्यारे प्यारे color fill करने हैं और neatness के साथ आपने इस पूरी fish में color fill करना है। Okay, next start in this page 2, 6, 26, 2, 7, 27. You write the number 2, 6, 26, 2, 7, 27. Okay, and complete this whole page. Next number is 2, 8, 28, 2, 9, 29. And write 2, 8, 28, 2, 9, 29. Okay, complete. This number is 30, 3, 0, 30, 3, 0, 30. You have to write the number 3, 0, 3, 0, 30 and complete this all. The last one, let's help the fish to find her food. आपने फिश की हेल्प करनी है उसकी फूड फाइंड करने में। 21 to 30 काउंटिंग राइट करते हुए आपने फिश की हेल्प करनी है। 21 यहाँ पे 2, 1, 21 2, 8, 28, 2, 9, 29। इस तरह से आपने इस सबको कंप्लीट करना। ओके, नेक्स्ट राइट द मिसिंग नंबर्स। आपने क्या करना है, इधर सारे मिसिंग नंबर राइट। 2, 1, 21 है तो आफ्टर 2, 1, 21 नंबर आएगा 20, 21 एंड 24। इन दोनों के बिटवीन में क्या आएंगे, ठीक है। 22, 2, 2, 22, 2, 3, 23, 2,
ये 2 4 24, नेक्स्ट आएगा 2 5 25, 2 6 27, 2 6 26, नेक्स्ट आएगा 2 26 27 एंड यहाँ पे 28 एंड 29, ओके 28 एंड 30 इनके बिटवीन में आएगा 29, ओके एंड कंप्लीट दिस. नेक्स्ट एक्टिविटी, कलर द शेप विच हैव नंबर्स फ्रॉम 21 to 30. यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू फिल द कलर इन नंबर 21 to 23. जो भी नंबर जो है वो 21 30 से पहले आ रहे हैं आपने उनमें कलर फिल नहीं करने हैं, जो 21 के बाद हैं उनमें कलर फिल करने हैं. फॉर एग्जांपल लुक एट दिस 10 10, तो 10 जो है वो 21 से बिलो है तो आपने इसमें कलर नहीं फिल करने. 25 25 आफ्टर 21 आता है तो आपने इसमें कलर फिल करने हैं. 26 23 30 21 29, ओके एंड 16 18 एंड 10, इनमें आपने कलर नहीं फिल करने. 25 और 26 में फिल करने हैं और कलर्स आपके नीटनेस में हो बहुत ही प्यारे से. 23 30 29 एंड 21, ओके. नेक्स्ट आर्ट इन द नेक्स्ट पेज, कलर रेड इन बिग थिंग एंड ब्लू इन अ स्मॉल थिंग. अब आपने कंपैरिजन, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि बिग में व्हाट इज़ अ बिग ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, ओके. तो कलर रेड इन बिग थिंग एंड ब्लू इन अ स्मॉल थिंग, बिग में आपने रेड फिल करना है एंड ब्लू इन द स्मॉल. जितने भी आपको रेड नज़र आ रहे हैं उनमें आपने, जितने भी आपको बिग नज़र आ रहे हैं ऑब्जेक्ट उनमें आपने रेड कलर फिल करने हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस वन इज़ बिग एंड दिस कैटल इज बिग, कप इज़ अ स्मॉल एंड दिस बॉल इज बिग, ठीक है. इन सब में आपने रेड कलर फिल करने हैं, कलर रेड इन अ बिग थिंग एंड ब्लू इन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको स्मॉल नज़र आ रहे हैं इन सब में आपने ब्लू कलर फिल करना है, ओके. और इस तरह से आपने इस सारे पेज को कंप्लीट करना है. एंड द लास्ट पेज इज पिक द ड्रॉ पिक्चर इन रेलिवेंट कॉलम. आपने स्मूथ एंड रफ डिफरेंट पिक्चर्स पिकअप करनी है और इनको इस कॉलम में ड्रा करना है. फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल इज अ स्मूथ, एप्पल रफ नहीं है, एप्पल बिल्कुल प्लेन है ऊपर से, तो हमने एप्पल को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, ओके. नेक्स्ट इज नेक्स्ट एग, एग स्मूथ है, एग जो है ये रफ कंडीशन में नहीं है तो एग को हमने इसमें ड्रॉ कर देना है, ओके. नेक्स्ट स्मूथ रफ, ग्लास, ग्लास इज अ स्मूथ, ओके. इस तरह से आपने इन सारी चीज़ों को ड्रा करना है, रफ कंडीशन रफ ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करना है, देन फिर ड्रा एंड स्मूथ, ओके. एंड नेक्स्ट मूव टू इन द रफ, दिस दिस इज रफ, ओके. दिस फॉर्मिंग शीट इज द रफ कंडीशन, दिस फॉर्मिंग शीट, ये जो जितने भी फॉर्मिंग्स हैं इनके ऊपर आप हैंड के साथ इनको अगर टच करें देखें तो ये रफ़ कंडीशंस में आ जाते हैं. एंड दिस पंच इज़ आल्सो इन रफ कंडीशन, लुक एट दिस. इसको भी आपने इस तरह से यहाँ पे ड्रा करना है और इसको कंप्लीट करना है. सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, स्मूथ ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, रफ़ फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे ड्रा करना है, ओके. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर्स और आपने इनको बहुत अच्छे से लर्न आउट करना है और बहुत अच्छे से अपना जो वर्क जो है वो कंप्लीट करना है, ओके. अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी स्टडी पे बहुत सारा फोकस करें. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.